दीपक जी, अभी नगर निगम में लगभग 50 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। आप वार्ड 37 से पार्षद हैं, बल्लगढ़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, ये हमारे संज्ञान में ये विषय आया और लगभग एक साल पहले हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी नगर निगम में, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिली। अभी कितने अमाउंट का है, क्या है, ये सारी सब चीज़ें कमिश्नर साहब को हमने इसकी शिकायत दे दी है और बहुत सारे वार्डों में हमारे संज्ञान में आए कि बिना भुगतान के सेंक्शन के माध्यम से काफ़ी बड़ी राशि का भुगतान हुआ है। तो कमिश्नर साहब को हमने शिकायत दे दी है और इस पर वो लोग जांच करा रहे हैं और जल्दी जो भी चीज़ें हम सब लोगों के सामने होंगी। आपके वार्ड में कुछ ऐसे विकास कार्य जो दिखाए गए हैं जो कि नहीं हुए धरातल पर, ऐसे कोई है? ये जो विकास कार्य है ना, इसमें कोई ऐसा काम मतलब स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया। इसमें तो सिर्फ कि पत्थर के नाम पर, नाली रिपेयर करने के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की फिगर है हमारे वार्ड में। इसी तरीके से लगभग 15-20 वार्डों में इस ठेकेदार ने ये भुगतान ले रखा है और लगभग सभी जो ये वार्ड है इनमें सभी पार्षदों से हमारी बात हुई है, तो अधिकांश वार्डों में इसने काम नहीं किया है। इस बात को लेकर क्या आप जसपा सुप्रीमो हैं दुष्यंत चौटाला जी, CM है, डिप्टी CM है, उनसे मिले आप? निश्चित रूप से अभी जल्दी में हमारा सभी पार्षद साथी बात कर रहे हैं, हम इसके लिए अपने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से कोई भी इस बात से अवगत कराएंगे। और हमारी जो इस सरकार में इस विभाग के जो मंत्री हैं अनिल विज, उन तक भी इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हाल ही में बल्लगढ़ में 20 जून को शायद गोली मारी गई और कल परसों उनका देहांत हो गया जी। इस पर और अभी तक उनके जो कातिल हैं गिरफ्तार नहीं हुए, उनके आरोप है, परिजनों का आरोप है सीधा सीधा कि पुलिस उनसे मिली हुई है। देखिए, जो ये बल्लभगढ़ आदर्श नगर थाने का जो ये केस है, मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था कल, जब परिवारजन जो परिवार के जो लोग हैं जो उन्होंने इकट्ठे होकर जो रोड जाम किया था, तो निश्चित रूप से उन लोगों का जो आक्रोश है वो बिल्कुल ठीक है। आज से लगभग 20 दिन पहले गोली मारकर उस बच्चे की हत्या कर दी गई और सबसे बड़ी बात कि उसने एक शराब बेचने वाले आदमी की शिकायत करी थी, सिर्फ इसी बात के ऊपर उस लड़के को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। इसका तो ये मतलब है कि कोई आदमी क्राइम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कोई भी आदमी किसी की शिकायत नहीं करेगा। और आदर्श नगर का जो क्षेत्र है उसमें इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, शराब बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, इन लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो रहा है और वहाँ पर आने वाले भविष्य में विकास दुबे जैसे लोग बड़े अपराधी बन जाएँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जो IO है ओम प्रकाश जी पुलिस में कार्यरत है, वो जाकर के घर जाकर के उनकी महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, इस पर आपने कोई संज्ञान लिया है? आप कल मौके पर भी इस तरह की कुछ बात आई थी और मौके पर मौजूद हमारे बल्लभगढ़ के ACP जयवीर राठी जी से हमने सारी बात उनके संज्ञान में लेके आई और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि अगर इस तरह की कोई बात है, ओम प्रकाश जो IO है इस केस का, उसकी कोई लापरवाही पाई जाएगी, निश्चित रूप से उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोई आप संदेश देना चाहेंगे आप बल्लभगढ़ की जनता को? मैं तो बल्लभगढ़ के क्षेत्र के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी गलत चीज़ें आप लोगों के खिलाफ होती हैं या कोई परेशानी आती है तो आप उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएं और संगठित रहें और इस कोरोना महामारी के समय में जो भी प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, उनके अंदर मर्यादा के अंदर रहते हुए अपना जो व्यापार है, काम धंधा है, उस पर भी ध्यान दें। दीपक जी, एक सवाल और कि बल्लभगढ़ विधानसभा में सभी सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है जी, ऐसा जनता का भी कहना है। देखिए, अब कौन क्या कहता है वो एक अलग विषय है, लेकिन आप भी सत्ता पक्ष हैं? बिल्कुल, हमारा गठबंधन है BJP और JJP का गठबंधन है और जितनी सरकार मजबूत होगी निश्चित रूप, लेकिन लोगों की आवाज़ कौन उठाए फिर, विपक्ष नहीं है तो? लोगों को कोई परेशानी है उसके लिए हम बैठे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई बात है, हम हर तरह की आवाज़ लोगों के बीच में उठाते हैं। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात सही और गलत की है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।